ओरिजिनल इंडियन राइडर उज्ज्वल। पिछले 2 दिनों से हम पोखरा में थे और हमने पोखरा की नाइट लाइफ को, यहाँ के एडवेंचर को बहुत ही अच्छी तरह से इंजॉय किया। तो सर टाइम चेक इज राइट नाउ 12:44 हुए हैं, इंडियन के हिसाब से 15 मिनट अगर हम जोड़ लें तो नेपाली में 1:00 दोपहर का। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा तेज़ है, आई थिंक ये 32+ चल रहा है इस समय यहाँ पे। कंसोल पे ओडोमीटर की रीडिंग 627 है। लखनऊ से हम लोगों ने 627 कंप्लीट किए हैं अब तक। तो अभी हम लोग निकल चुके हैं पोखरा से। वी आर राइट नाउ ऑन पृथ्वी हाईवे एंड दिस इज़ द वे टू काठमांडू। काठमांडू यहाँ से 194 किलोमीटर है। अभी हम लोगों ने अपना रूट मैप जो लगा रखा है वो बांदीपुर लगा रखा है। तो बांदीपुर का जो डिस्टेंस है वो 73 किलोमीटर से आ रहा है। देखते हैं कितनी देर में पहुंचेंगे। अकॉर्डिंग टू गूगल 2:10 लगना चाहिए, मीन्स हमें करीब करीब 3:15 तक पहुंच जाना चाहिए बांदीपुर। मॉर्निंग में कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट होटल में लिया था बट अभी भूख लग गई है, लेकिन हम अभी कहीं रुकेंगे नहीं। मैक्सिमम स्ट्रेस को कवर करने की कोशिश करते हैं। 73 किलोमीटर का है तो एटलीस्ट 50% कम्प्लीट करें उसके बाद रुकेंगे, और अगर कंट्रोल कर ले गए तो हम सीधे बांदीपुर में रुकेंगे। रोड कंडीशंस इनिशियली काफ़ी ठीक ठाक थी, रोड अच्छा हाईवे था, बट अभी पिछले 3-4 किलोमीटर से वैसे ही स्ट्रेस चल रहा है। सामने वाले माउंटेन को आप देखिए, कितना पीक है उसमें, कितना अल्टीट्यूड है, गजब का ब्यूटी है यार इसका। दिस वन इज ऑन द हाईएस्ट अल्टीट्यूड और यहाँ पे स्पीड लिमिट है 40। सो गाइस राइट नाउ अभी पहुंच गया हूँ मैं दमौली। यहाँ पे बहुत ही अच्छा व्यू मिल रहा है, ये एक रिवर बह रही है, दोनों साइड पहाड़ियाँ हैं, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि अभी आप ये वाइब्रेट होते हुए देख रहे हैं ना, तो ये जैसे ही कोई व्हीकल आता है तो ये पूरा का पूरा ब्रिज हिलता है। अभी देखते हैं बस आ रही है और फिर ये हिलेगा। ये देखिए पाइप्स वाइब्रेट होना शुरू हो गए। तो एक चीज़ आप लोगों को और दिखाता हूँ, देखिए फ्लो कितना तेज है। ये देख रहे हैं आप नीचे पूरा सफ़ेद पानी दिख रहा है और बीच में देखिए आईलैंड। तो गाइस डूमरे अभी बचा है 6 किलोमीटर। बाइक की परफॉर्मेंस वैसे तो ठीक है, प्लेन में बिल्कुल सही चल रही है, बट जहाँ थोड़ा सा इंक्लिनेशन होता है पावर कम हो जाती है, बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, तो मैक्स टू मैक्स आप 4th गियर में ही चल पाओगे। सी द रॉक्स, एक तरफ है रॉक्स, एक साइड में है इतनी सुंदर नदी, और ये रोड भी बहुत अच्छा है। तो यार शब्द नहीं बचे मेरे पास इसकी तारीफ करने के लिए। तो गाइस एक अपडेट है कि जब हम लोग पोखरा से काठमांडू के रास्ते पे आते हैं तो एक जगह डूमरी पड़ती है, और डूमरी से डाइवर्जन है, इधर आप जा सकते हैं बांदीपुर या आप काठमांडू की तरफ अपना पृथ्वी हाईवे कंटिन्यू रख सकते हैं। तो अभी हमसे थोड़ी सी मिस्टेक हुई थी, स्पीडिंग अच्छी हो रही थी, अच्छा हाईवे मिला था, प्लेन चल रहे थे, तो मैं काठमांडू वाले रूट पे निकल गया। तो अभी पता ये चला है कि चितवन में कोई प्रदर्शन चल रहा है, तो आज चितवन वाला रोड क्लोज्ड है, तो आज हम चितवन नहीं जा रहे, और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था तो दिमाग ख़राब हो रहा था, तो हमने काठमांडू का भी प्लान अभी आज ड्रॉप कर दिया है। बांदीपुर एक्चुअली क्या है कि काफ़ी हाइट पर है, पूरे पहाड़ों पर है, तो वहाँ से बहुत अच्छा व्यू मिलने वाला है, और मौसम वहाँ पर काफ़ी प्लीजेंट है, टेम्परेचर डाउन मिलेगा। तो अभी हमने वापस यू टर्न मार लिया है और हम जा रहे हैं वापस बांदीपुर की तरफ, लेकिन अभी हमें ध्यान देना है कि हम डूमरी से
अपने रूट को डाइवर्ट करेंगे बांदीपुर के लिए। डिस्टेंस इज जस्ट 19 किलोमीटर फ्रॉम हियर टिल बांदीपुर, बट टाइम बता रहा है 45 मिनट्स लगेंगे, तो आई थिंक ये काफ़ी ज़्यादा कर्व्स होंगे हिल पे। सो दिस इज द टर्न फॉर बांदीपुर। डूमरी में जहाँ पे कट है बांदीपुर के लिए, वहाँ से जस्ट 12 किलोमीटर का डिस्टेंस रह जाता है। और मैप अगर आप देख पा रहे हो तो देखिए कितना शार्प शार्प कर्व्स हैं इस रोड्स पे। देखिए अभी जस्ट हमने किए 3 किलोमीटर और हम कितनी हाइट पे पहुंच चुके हैं नीचे से देखिए आप, और अभी हमें तो 9 किलोमीटर और पूरे करने हैं, तो अभी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम कितनी हाइट पे चलने वाले हैं। गाइस एक काम तो अभी छूट गया, हमने होटल नहीं बुक किया है, तो 2 मिनट का हाल्ट लेते हैं और होटल बुक करते हैं। सो बुकिंग डन फॉर बांदीपुर विलेज रिजॉर्ट एंड द अमाउंट इज $12। मैप इज सेट, द डिस्टेंस इज जस्ट 5.4 किलोमीटर। पहले आई थिंक पगडंडी हुआ करती होंगी, बहुत ही नैरो रोड्स होंगी, तभी तो इजीली एक्सेसिबल है, थोड़ा अल्टीट्यूड ज़्यादा है बट रोड कंडीशंस स्टिल ठीक हैं। छोटे छोटे बच्चे स्कूलों से निकल रहे हैं, छुट्टियां हो गई हैं, इनकी ड्रेसेस बहुत प्यारी लग रही हैं। तो भाई कैसे जाएगी उधर, यहाँ लगानी पड़ेगी। तो रोड यहाँ पे क्लोज है, बाइक हमें यहीं पे पार करनी पड़ेगी फिलहाल। गाइस आई हैव जस्ट रीच बांदीपुर और जा रहे हैं होटल में चेक इन करने। अभी किया है ऑनलाइन? एक रूम। हाँ ऐसे एक खेल हुआ है कि बांदीपुर विलेज रिजॉर्ट के नाम से 2-3 होटल्स हैं, तो जिस होटल में मैं गया था वो उनकी दूसरी ब्रांच में हमारी बुकिंग है और वहाँ पे बाइक नहीं जाएगी, तो सारा सामान हमें यहाँ से निकालना है, बाइक यहीं रहेगी। भैया हमें आए लिवान गाइस, फाइनली हम बांदीपुर विलेज रिजॉर्ट के सेकंड होटल में आ गए हैं, भैया हमें पिक करने आए थे, बट थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हम लोग इसलिए हैं कि हमारी जो बुकिंग थी वो प्रीवियस वाले होटल में ही दिखा रही थी, बट शायद कुछ पैसे का चक्कर रहा होगा, तो वो लोग ऑफलाइन को ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि जितने ज़्यादा पैसे वसूल सकें वो लोग वसूलते हैं। तो देखिए मैं आपको बुकिंग दिखाता हूँ, बुकिंग हुई है $12 की, जो करीब नेपाली में कितना पड़ता है, 1350 NPR बैठता है। और जब मैंने उनसे पूछा ऑफलाइन में कितने पैसे लगते हैं आपके यहाँ, तो 2500-3000 कुछ ये रेट बता रहे थे, तो पूरा डबल का अंतर था। सीधी सी बात है कि वो ज़्यादा पैसे लेने के चक्कर में ऑनलाइन बुकिंग को प्रेफर नहीं करते, इसीलिए जो है शायद हमें यहाँ पे शिफ्ट किया उनने। और ये थोड़ा सा डिस्टेंस वाला होटल है, मार्केट से होके हम यहाँ तक आए हैं, और हमें खास बात है कि पैदल आना पड़ा है, पूरा लगेज लाना पड़ा है। बाकी ऐसे रूम में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस
से मेन फ़ैन नहीं है। हम लोग जब आए थे करीब 4 बजे रूम के अंदर तो काफ़ी ज़्यादा गर्मी थी, लेकिन अब बिना फ़ैन के आप आराम से बैठ सकते। अभी टेम्परेचर हुआ है 24 और आप समझ सकते हो कि थोड़ा सा डाउन हुआ है टेम्परेचर, उस समय काफ़ी ज़्यादा था, तो आई थिंक यही कारण होगा कि यहाँ पे रूम्स में फ़ैन वगैरह नहीं है। तो कोई बात नहीं, हम यार घूमने निकले हैं, कुछ चीज़ें होती रहती हैं जिसमें हमारा कोई जोर नहीं होता, अब इनसे लड़ तो हम लोग सकते नहीं हैं, ना ही हमें लड़ना चाहिए, तो वो भी बिजनेस करने बैठे हैं और हम इंजॉय करने के लिए आए हैं, तो हम अपने मूड को नहीं ख़राब करते हैं, अपने सफ़र को हम जारी रखेंगे। आपको यहाँ की लाइफ स्टाइल, यहाँ का कल्चर, यहाँ की विलेज वाली ज़िंदगी, यहाँ के लोग, यहाँ की मार्केट, मैं सब कुछ दिखाऊँगा अपने अगले व्लॉग में। तो आई होप कि ये एडवेंचर वाला ट्रिप आपको थोड़ा सा पसंद आया होगा, और यार अगर आपको ट्रिप पसंद आया हो तो आपको पता है क्या करना है, नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, आपको उस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि अगली नोटिफिकेशन जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको मिल जाए और आप मेरे वीडियो को आसानी से देख पाएंगे। तो मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी नए व्लॉग के साथ। आप लोग खुश रहिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, तब तक के लिए बाय बाय।